आप देख रहे हैं दखल न्यूज। शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में मोदी का आतंक समर्थकों पर हमला, पाकिस्तान को याद दिलाई औकात। अब ममता के खिलाफ देश भर में डॉक्टर्स का आंदोलन, डॉक्टर्स के इस्तीफों की लगी लाइन। चक्रवात वायु ने रोकी मानसून की रफ्तार, मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में हुई प्री मानसून बारिश। अनंतनाग आतंकी हमले में शहीद संदीप यादव को अंतिम विदाई, उमड़ा लोगों का हुजूम। और मुख्यमंत्री कमलनाथ का बयान, हमारा देश सैन्य शक्ति नहीं आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक। नमस्कार, मैं हूं सत्यम शर्मा, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। शंघाई कॉपरेशन समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद और आतंकवाद का समर्थन करने वाले देशों पर हमला किया है। उन्होंने कहा, इस आतंकवाद के खिलाफ सभी देश मिलकर लड़ें और आतंकवाद को लेकर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जाना चाहिए। शुक्रवार को सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में सीधे तौर पर आतंकवाद और आतंक का समर्थन करने वाले देशों पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों श्रीलंका दौरे पर आतंकवाद का घिनौना चेहरा देखा। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में हेल्थ को ऑपरेशन की बात कही और इसमें टी शब्द को टेररिज्म से अंकित करते हुए कहा कि पिछले रविवार को श्रीलंका में आतंकी हमले के शिकार हुए चर्च का दौरा किया तो आतंकवाद के घिनौने रूप का स्मरण हो गया। इस आतंकवाद से निपटने के लिए सभी मानवतावादी देशों को अपनी संकीर्णता से ऊपर उठकर एकजुट होने की जरूरत है। टी फॉर टेररिज्म फ्री सोसाइटी। पिछले रविवार श्रीलंका की अपनी यात्रा के दौरान मैं सेंट एंटनी में के चर्च गया था। वहां मुझे आतंकवाद के उस घिनौने चेहरे का स्मरण हुआ जो हर कहीं कभी भी प्रकट होकर रोज मासूमों की जान लेता है। इस खतरे से निपटने के लिए सभी मानवतावादी ताकतों को अपने अपने संकीर्ण दायरे से निकलकर एकजुट हो जाना चाहिए। आतंकवाद को प्रोत्साहन, समर्थन और वित्त प्रदान करने वाले राष्ट्रों को जिम्मेदार ठहराना जरूरी है। एससीओ सदस्यों को आतंकवाद का सफाया करने के लिए एससीओ रेड्स के तहत सहयोग की पूरी क्षमता का इस्तेमाल करना चाहिए। भारत आतंकवाद से निपटने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन का आह्वान करता है। मोदी ने कहा कि आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले, संरक्षण देने वाले और फीडिंग करने वाले को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए और दुनिया को उसके खिलाफ एकजुट होना होगा। दुनिया की सभी मानवतावादी ताकतें एक हो, आतंकवाद के खिलाफ एक वैश्विक सम्मेलन का हम आह्वान करते हैं। इसके अलावा मोदी ने कहा कि लोगों का आपसी संपर्क अहम है, आज खुली व्यापार प्रणाली की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पिछले 2 साल से इस संगठन का सदस्य है और हमने संगठन की हर गतिविधि को सकारात्मक समर्थन दिया है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हमने एससीओ की भूमिका को बेहतर करने के लिए काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के प्रायोजक देश पाकिस्तान को उसकी औकात याद दिला दी है। शंघाई सहयोग संगठन की मीटिंग के दौरान कई ऐसे मौके आए जहां पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भारतीय प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत की कोशिश की, लेकिन मोदी ने इमरान खान को कोई भाव नहीं दिया। भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री किर्गिस्तान के बिश्केक में हैं, जहां शंघाई सहयोग संगठन की बैठक हो रही है। पाकिस्तान भारत से बातचीत चाहता है, लेकिन बैठक के दौरान तो नरेंद्र मोदी ने इमरान खान से पर्याप्त दूरी बनाए रखी है। शुक्रवार को हुए फोटो सेशन में भी मोदी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री से दूर रहे। मोदी के ऐसा करने से पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को अपनी औकात का एहसास भी हो रहा है। भारत का कहना है कि आतंकवाद और बातचीत दोनों एक साथ संभव नहीं है। यह बात और है कि इमरान
इमरान खान भारत से बातचीत करना चाहते हैं। इमरान खान का मानना है कि भारत और पाकिस्तान के संबंध अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए हैं और उम्मीद है कि पीएम मोदी लोकसभा चुनाव के लिए प्रचंड बहुमत का उपयोग दोनों देशों के बीच के विभिन्न मसलों को हल करने में करेंगे। शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में दोनों नेता एक ही मंच पर रहे, खाने की टेबल पर भी करीब 2 घंटे साथ बिताए, लेकिन मोदी ने ना तो इमरान के साथ हाथ मिलाया और ना ही कोई बात की। मोदी ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से जरूर बात की। जिनपिंग से चर्चा के दौरान पाक का जिक्र हुआ तो मोदी ने 2 टूक शब्दों में कहा कि पड़ोसी देश को पहले आतंकवाद पर लगाम लगाना होगी। पश्चिम बंगाल में डॉक्टरों की हड़ताल का असर देश भर में नजर आने लगा है। देश के कई राज्यों में डॉक्टरों ने इसके विरोध में उतर आए। पश्चिम बंगाल में तो 150 से ज्यादा डॉक्टरों ने इस्तीफा दे दिया है। ये सभी डॉक्टर्स ममता बनर्जी सरकार से नाराज हैं। ममता सरकार के खिलाफ इस्तीफा दे रहे आरजी कर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल कोलकाता के डॉक्टर ने लिखा है कि वर्तमान हालात में हम अपनी सेवाएं नहीं दे सकते, इसीलिए पद से इस्तीफा दे रहे हैं। जहां तक एक तरफ डॉक्टर्स की हड़ताल जारी है, वहीं ममता सरकार की परेशानियां भी कम नहीं हो रही हैं। इस हड़ताल के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची ममता बनर्जी को झटका लगा है। हाईकोर्ट ने कुणाल शाह की याचिका पर सुनवाई करते हुए पूछा कि डॉक्टरों पर हुए हमले के मामले में क्या कार्यवाही हुई है। कोलकाता हाईकोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए ममता बनर्जी को 1 हफ्ते का वक्त दिया है और जल्द से जल्द स्थिति सामान्य करने की बात कही है। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टरों की हड़ताल का असर पूरे देश में नजर आ रहा है। एम्स के डॉक्टरों ने आंदोलन का समर्थन करते हुए शुक्रवार को 1 दिन की सांकेतिक हड़ताल की घोषणा की है और देश भर में मौजूद अपने संगठनों से भी इसमें शामिल होने की अपील की है। वहीं IMA ने भी अपनी सभी राज्य शाखाओं को जिला कलेक्टर के कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपने को कहा। दूसरी तरफ दिल्ली एम्स के डॉक्टरों का एक दल दोपहर में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन से मिला है। डॉक्टर्स के समर्थन में भोपाल, रायपुर, दिल्ली, पटना सहित कई जगह डॉक्टर्स ने हड़ताल की। आंदोलन के बीच उत्तर 24 परगना जिले के एक अस्पताल के 18 डॉक्टरों ने अस्पतालों में बढ़ती असुरक्षा व मुख्यमंत्री के बयान से क्षुब्ध होकर सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के अल्टीमेटम, खुले पत्र और भावनात्मक अपील के बावजूद पश्चिम बंगाल के जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल लगातार 4थे दिन भी जारी रही। इससे राज्य में स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह से चरमरा गई है। गुजरात में चक्रवाती तूफान वायु का असर खतरा टल गया है, लेकिन इस तूफान का असर मानसून की चाल पर पड़ा है। अब देश के कुछ हिस्सों में मानसून और लेट हो जाएगा। वायु तूफान के असर से मानसून केरल और कर्नाटक में अटक गया है। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून को मुंबई पहुंचने में अभी 7 दिन का वक्त और लग सकता है। हालांकि इस दौरान मुंबई समेत अन्य जगहों पर प्री मानसून बारिश हो सकती है। आमतौर पर मुंबई में दक्षिण पश्चिम मानसून 10 जून तक दस्तक देता है, लेकिन इस बार मुंबईकर अब तक इंतजार कर रहे हैं। इस साल मानसून 7 दिन देरी से आया है, जिसके कारण अब तक 33 से 40% कम बारिश दर्ज हुई है। महाराष्ट्र के बाद मानसून मध्य प्रदेश पहुंचेगा। इस बीच खबर है कि ओडिशा में अच्छी बारिश हो रही है। पिछले 24 घंटे में भुवनेश्वर में 4.7 mm बारिश हुई है। वहीं पूरी में 5.7 mm बारिश दर्ज हुई। गुरुवार को देश में सबसे ज्यादा बारिश निकोबार में हुई है। कर्नाटक के करवार और गुजरात के भावनगर और महाराष्ट्र के महाबमलेश्वर में 81.81 mm बारिश हुई है। वायु चक्रवात के बाद भोपाल में भीषण गर्मी में हल्की कमी आई थी कि दोपहर में प्री मानसून शावर ने कुछ समय के लिए मौसम खुशनुमा बना दिया। दोपहर में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। मौसम विज्ञानियों का कहना है इस तरह की बारिश अभी और भी होगी, लेकिन इससे वातावरण में उमस बढ़ जाएगी। भट्टी की तरह तप रहे भोपाल में आज राहत भरी बारिश हुई। दोपहर में अचानक मौसम बदला और कई इलाकों में तेज हवा के साथ बारिश शुरू हो गई। धीरे धीरे इस बारिश ने भोपाल और आसपास के इलाकों को अपने आगोश में ले लिया, जिस कारण मौसम खुशनुमा बन गया। इससे लोगों को उमस और तेज गर्मी और गर्म हवाओं के थपेड़ों से थोड़ी राहत जरूर मिली है।
अरब सागर में उठे चक्रवाती तूफान वायु के असर से प्रदेश में बड़े पैमाने पर नमी आने का सिलसिला पहले ही शुरू हो गया है। राजधानी सहित पूरे प्रदेश में दिन में अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज हुई। बादल छाए रहने के कारण गुरुवार को भी अधिकतम तापमान 39.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ, जो सामान्य से 2 डिग्री से अधिक रहा। ऐसा ही हाल शुक्रवार को भी रहा, लेकिन वातावरण में नमी बढ़ने के कारण लोगों को दिन भर उमस सताती रही। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में दक्षिण पश्चिमी हवाएं चलेंगी, ऐसे में नमी बढ़ने के कारण आने वाले कुछ दिनों तक शहर में गरज चमक के साथ हल्की बरसात हो सकती है। इस कारण उमस लोगों को परेशान करेगी। अनंतनाग आतंकी हमले में शहीद हुए संदीप यादव को अंतिम विदाई देने लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भोपाल हवाई अड्डे पर सीआरपीएफ कांस्टेबल शहीद संदीप यादव के सब पर माल्यार्पण किया। भोपाल से देवास तक पूरा आसमान संदीप यादव अमर रहे के नारों से गूंजता रहा। अनंतनाग में हुए आतंकी हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ जवान संदीप यादव का पार्थिव शरीर उनके गृहग्राम कुलाला पहुंचा। भोपाल से देवास के बीच रास्ते में लोग शहीद को अंतिम विदाई देने पहुंचे। बड़ी संख्या में युवक बाइक रैली निकालकर भारत माता की जय और शहीद संदीप यादव अमर रहे के नारे लगा रहे थे। जगह जगह मंच लगाकर लोगों ने पुष्प वर्षा कर शहीद को श्रद्धांजलि दी। भनरोसा नगर में जगह जगह रंगोली बनाई गई। मंत्री सज्जन वर्मा सहित पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी उन्हें अंतिम विदाई देने पहुंचे। शहीद का पार्थिव शरीर विमान से देर रात भोपाल पहुंचा था। यहां सीएम कमलनाथ, विधानसभा अध्यक्ष नर्मदा प्रसाद प्रजापति, मंत्री सज्जन सिंह वर्मा और नेताओं ने भोपाल विमानतल पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की थी। फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि हमारे देश की पहचान सैन्य शक्ति से नहीं है, हमारा देश आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है। भोपाल में तेलुगु परिषद के 4 दिवसीय समारोह में कई नेता और अफसर शामिल हुए। तेलुगु परिषद का यह धार्मिक समारोह है। इस समारोह में मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी भाग लिया है। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि मिलिट्री शक्ति हमारे देश की पहचान नहीं है, हमारा देश आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है और यही उसकी पहचान है। ये एक प्रतीक है भारत की पहचान, कोई मिलिट्री शक्ति नहीं है, कोई आर्थिक शक्ति से नहीं है। भारत की पहचान पूरे विश्व में उसकी आध्यात्मिक शक्ति से, और आज ये मंदिर हमारे भारतीय आध्यात्मिक शक्ति का एक प्रतीक है। भाजपा के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के मुख्यमंत्री कमलनाथ को नागनाथ और सांपनाथ कहे जाने के बाद अब कांग्रेस और बीजेपी नेताओं में जुबानी जंग छिड़ गई है। कमलनाथ सरकार के कैबिनेट मंत्री लखन घनघोरिया ने पलटवार करते हुए कैलाश विजयवर्गीय को मानसिक विकृति निशान बताया है। साथ ही कहा कि शिवराज के बाद विजयवर्गीय के मुख्यमंत्री बनने के सपने पर पानी फिर गया है। राजनीति है तो आरोप प्रत्यारोप तो होंगे ही, पर इन दिनों नेता अपनी हदें पार कर रहे हैं, मर्यादाओं को लांघते नजर आ रहे हैं। भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की बयानबाजी को लेकर जुबानी जंग छिड़ गई है। कमलनाथ सरकार के कैबिनेट मंत्री लखन घनघोरिया ने कैलाश विजयवर्गीय को मानसिक विकृति का व्यक्ति कहा। गौरतलब है कि कैलाश विजयवर्गीय ने कमलनाथ को नागनाथ और सांपनाथ कहा था, जिसके जवाब में लखन ने कैलाश विजयवर्गीय को मानसिक विकृत करार किया है। सामाजिक न्याय एवं निशक्त कल्याण अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री लखन घनघोरिया ने कहा कि शिवराज के बाद कैलाश विजयवर्गीय मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे थे और उनके मंसूबे पर पानी फिर गया है। भाजपा को लग रहा था कि कमलनाथ की सरकार गिर जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। कैलाश विजयवर्गीय जी इस प्रकार का विष हमेशा विष वमन करते आए, इसलिए उनके बारे में कुछ भी कहना
मैं समझता हूँ ठीक नहीं होगा, क्योंकि उनकी मनोस्थिति बिल्कुल बिगड़ चुकी है। उनको लगा था कि शिवराज सिंह जी के जाने के बाद शायद वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाए। एक मानसिक विक्षिप्तता सामने दिख रही है, हताशा और निराशा दिख रही है कि कांग्रेस के तमाम विधायक एकजुट हैं और कांग्रेस की सरकार पूरे 5 साल चलेगी। ये दुख ये दर्द उनको है, इसलिए वो जलूल बक रहे। कांग्रेस ज्योतिरादित्य सिंधिया को राष्ट्रीय स्तर पर जिम्मेदारी देने के बारे में विचार कर रही है। वहीं मध्य प्रदेश के नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया को मध्य प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने की मांग कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया को मध्य प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने की मांग कर रहे हैं। इसके लिए सिंधिया समर्थक दिल्ली तक दौड़ भाग में लगे हुए हैं। सिंधिया गुट के नेताओं का मानना है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को प्रदेश अध्यक्ष बनाने से मृत प्राय कांग्रेस संगठन नए सिरे से खड़ी हो जाएगी। कमलनाथ सरकार में कैबिनेट मंत्री लाखन सिंह ने सिंधिया का समर्थन किया और कहा, हम भी चाहते हैं कि युवा ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रदेश अध्यक्ष बने। बने, बनना चाहिए, बने तो अच्छी बात है। नहीं, मैंने आपने कहा ना कि जो आप चाह रहे हैं, मैं भी चाह रहा हूं, बनिए, अच्छी बात है। युवा है, नौजवान है, मध्य प्रदेश में अच्छा लोगों में उत्साह आएगा उनके बनने से। नहीं, मुझे तो जानकारी नहीं है कि लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, तो यदि वो बनती है तो ये बात सही है, अच्छी है। मध्य प्रदेश में नई ताकत के रूप में हमारी पार्टी है। एक खतरनाक हो चुकी पानी की टंकी को जमींदोज करने में नगर निगम को पसीना आ गया। पहले ब्लास्ट के बाद तो टंकी का कुछ नहीं बिगड़ा, दूसरे ब्लास्ट में टंकी आधी गिर कर भी खड़ी रही और जब इसे मैनुअली गिराने की कोशिश की गई तो ये टंकी पोकलेन मशीन पर जा गिरी। भोपाल के शहजहांबाद की 35 साल से अधिक पुरानी जर्जर पानी की टंकी को गिराने के दौरान बड़ा हादसा टल गया। लगातार दूसरे विस्फोट से टंकी पूरी तरह से गिरने के बजाय झुक गई। तो हैवी ब्लास्ट के बाद जब ये टंकी धराशायी नहीं हुई तो नगर निगम की पोकलेन मशीन से मैनुअली तोड़ने का काम चालू किया गया, लेकिन पोकलेन जिस तरह लगाई गई थी उसी तरह अचानक टंकी भरभरा कर गिर गई, जिससे मशीन दब गई। इस जर्जर टंकी को गिराने के लिए नगर निगम की ओर से विस्फोटक विशेषज्ञों को जिम्मा सौंपा गया था। बुधवार को एक विस्फोट से टंकी नहीं गिरी, फिर गुरुवार को डायनामाइट लगाया गया, फिर भी टंकी खड़ी रही। इसके बाद पोकलेन मशीन को लाया गया। विस्फोट के बाद टंकी एक तरफ झुक गई थी, लिहाजा दूसरी ओर पोकलेन मशीन लगाई गई थी, लेकिन मशीन की तरफ ही टंकी गिर गई। निगम अधिकारियों के अनुसार अब इसे मैन्युअली तोड़ा जाएगा। विस्फोट विशेषज्ञ शरद सरवटे की निगरानी में टंकी को गिराने में 35 किलो बारूद का उपयोग कर धमाका किया गया, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। शाहजहांबाद की पानी की टंकी ऊपर से जर्जर हो चुकी थी, इसके टुकड़े आए दिन गिरते रहते थे, जिससे टंकी को नगर निगम ने जर्जर और खतरनाक घोषित कर इससे 2015 में पानी सप्लाई बंद कर दी थी। छत्तीसगढ़ के कांकेर में पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में पुलिस ने 2 नक्सलवादियों को मार गिराया है। इन नक्सलियों के पास से कुछ हथियार भी बरामद किए गए हैं। नक्सलियों का एनकाउंटर DRG टीम के लिए बड़ी सफलता मानी जा रही है। कांकेर के मुरनार जंगल में नक्सलियों के कैंप करने की सूचना पुलिस को मिली। इलाके में तैनात DRG की टीम से नक्सलवादियों का सामना हुआ और दोनों ओर से गोलियां चली। मुठभेड़ में पुलिस ने 2 नक्सलियों को मार गिराया। पुलिस को दोनों नक्सलियों के शव के पास से 2 SLR, 1.30, 1.315 बोर की बंदूक मिली है। इससे जाहिर है वारदात स्थल पर कुछ और नक्सली भी रहे होंगे जो मौके का फायदा उठाकर भाग गए। पुलिस अधीक्षक कन्हैया लाल धुर्वे ने इस मामले की पुष्टि कर इसे DRG टीम की बड़ी सफलता बताया है। छतरपुर के नौगांव में मुस्लिम समाज की अपराधियों के खिलाफ अपराधी सहित उसके पूरे परिवार के बहिष्कार करने की अनोखी पहल सामने आई है। मुस्लिम समाज ने कहा, अगर कोई व्यक्ति रफीक जैसी किसी घटना को अंजाम देता है तो उसे मरने के बाद कब्रिस्तान में भी जगह नहीं मिलेगी। अपराधों के खिलाफ अब प्रशासन के साथ साथ समाज भी सामने आने लगा है। ताजा वाक्य छतरपुर के नौगांव में मुस्लिम समाज की अपराधियों के खिलाफ अनोखी पहल का है। गौरतलब है कि बीती 8 तारीख को नौगांव में रफीक खान नाम के युवा ने एक नाबालिग के घर जाकर उसे जिंदा जला दिया था। बाद में उस नाबालिग की इलाज के दौरान मौत हो गई। इस घटना में युवक की भी जलने से मौत हो गई थी। आज मस्जिद में हमारे नगर के मुस्लिम समाज के प्रमुख लोग बैठे और जो पिछले दिनों नगर नौगांव में एक दिल दहलाने वाली घटना हुई, जिसमें
साहू समाज की बच्ची और मुस्लिम समाज का एक लड़का, उनके नाम सामने आए और जो है तो दुखद घटना रही, वो बच्ची खत्म हो गई। इससे निश्चित रूप से जो है मुस्लिम समाज भी आहत हुआ है और मुस्लिम समाज को बहुत दुख है। मुस्लिम समाज ने आज एक बहुत ही कड़ा निर्णय लिया है कि जो लोग ऐसे कृत्य करेंगे, समाज उन्हें जो है पूरी तरीके से बहिष्कृत कर देगा। अब इस मामले में मुस्लिम समाज के लोग सामने आने लगे हैं। नौगांव की जामा मस्जिद में समाज के लोगों ने बैठक कर निर्णय लिया कि जो भी ऐसा करेगा उसका समाज से कोई लेना देना नहीं होगा। मुस्लिम समाज ने रफीक और उसके परिवार का बहिष्कार कर दिया है। बहिष्कार के बाद समाज का कोई भी व्यक्ति उनके यहाँ किसी तरह से न आएगा और न ही जाएगा। मुस्लिम समाज का यह निर्णय समाज में जागरूकता के साथ दूरगामी असर दिखाएगा। हर समाज के लोगों को मालूम है कि हमारे नौगांव शहर में बीते दिन कुछ ऐसी घटना हुई है जिससे सारे लोगों का जो अहले दिल हजरात हैं उनका जो है सर शर्म से झुका हुआ है। बस और हम मुसलमान हैं, हमारा एक अलग शरीयत का कानून रहता है। क्योंकि ऐसा जुर्म तो हर समाज में जुर्म ही है और मुसलमान में जो शरीयत का कानून है उसमें तो ये अशद जुर्म है, बहुत सख्त जुर्म है। ऐसे लोगों को तो शरीयत में ये आया है कि बीच चौराहे पर खड़े कर करके उनको कत्ल किया जाए या फांसी दी जाए। और ये जुर्म ऐसा जुर्म है, इसका हम लोगों ने बिल्कुल बहिष्कार किया है, सख्त फैसला लिया है कि ऐसे लोगों को ना अपने घर बुलाया जाएगा ना उनके घर कोई जाएगा। और अगर फिर भी ऐसी घटनाएँ होती हैं तो उस पर और ज़्यादा सख्त कार्रवाई की जाएगी। मनगवा की पूर्व विधायक शीला त्यागी की गाड़ी से चोरी गए बैग को पुलिस ने बरामद कर तीन चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। इस बैग में कैश, जेवरात और मोबाइल फोन थे। मनगवा की पूर्व विधायक शीला त्यागी की गाड़ी से चोरी हुए बैग को पुलिस ने ढूंढ लिया है। चोरी की यह वारदात तीन दिन पहले उस वक्त हुई जब शीला त्यागी अपने परिवार के साथ बिहर नदी के पुष्पराज घाट स्नान करने पहुंची थी। पूर्व विधायक और उनका परिवार जब नदी में स्नान करने गया तब चोरों ने उनके गाड़ी में रखा एक लेडीज बैग निकाल लिया। इस बैग में 10,000 रुपए नगद, 8 मोबाइल फोन और 2 सोने की चेन थी। इसके बाद पूर्व विधायक ने कोतवाली थाने में मामले की एक FIR दर्ज करवाई। ये बंद गाड़ी की कांच को इन्होंने तोड़ा था, ब्रेक किया था उसके ग्लास को, खिड़की के ग्लास को, और इस तरह से उनके बैग की चोरी की थी। और ये पूरा मटेरियल उनका जो मशहूर का बैग में रखा हुआ था, तो बैग सहित चोरी कर लिया। पुलिस ने तीन दिन मशक्कत कर आरोपियों का पता लगाया और उन्हें गिरफ्तार किया। थाना प्रभारी राजकुमार मिश्रा के मुताबिक इस मामले में तीन आरोपियों दिलशाद शाह, सगीर शाह और महेश पटेल ने अपना जुर्म कबूल कर चोरी का सामान भी बरामद करवाया। जनसंपर्क एवं कानून मंत्री पीसी शर्मा ने दुष्कर्म और हत्या की शिकार हुई मासूम के परिजनों को आर्थिक सहायता के तौर पर 5 लाख का चेक सौंपा। पीसी शर्मा ने घटनाक्रम को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा आगे से इस तरह की घटना प्रदेश में न हो, इसके लिए सरकार कानून व्यवस्था को मजबूत करने का काम कर रही है। जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा और कैबिनेट मंत्री आरिफ अकील ने रेप और हत्या का शिकार बनी मासूम बच्ची के परिजनों से मिलने नेहरू नगर की मंडावा बस्ती पहुंचे और आर्थिक सहायता के लिए परिजनों को 5 लाख का चेक सौंपा। प्रदेश सरकार ने रेप पीड़िता के परिजन के लिए आर्थिक सहायता की घोषणा की थी। इसी क्रम में 5 लाख रुपए का चेक मासूम बच्ची के परिजनों को दिया गया। इस दौरान पीसी शर्मा ने घटनाक्रम को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा आगे से इस तरह की घटना मध्य प्रदेश में न हो, इसके लिए सरकार कटिबद्ध है, कानून व्यवस्था को सरकार मजबूत करने पर काम कर रही है। कमलनाथ जी ने जैसी घोषणा की थी मुख्यमंत्री जी ने 5 लाख रुपए पीड़ित परिवार को देने के लिए इस मानवा बस्ती में, वो आरिफ भाई मंत्री जी और मैं उनको देने आए थे। उनको 5 लाख का चेक हम लोगों ने दे दिया है और उस परिवार की जो भी सहायता होगी वो की जाएगी। जैसा मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि 48 घंटे में चालान पेश कर दिया जाएगा, तो चालान पेश हो गया है और जो सरकारी वकील तो लगेगा ही, हम अलग से भी वकील लगाएंगे और पूरी ताकत से इस केस में 30 दिन के अंदर बड़ी से बड़ी सज़ा उस आरोपी को हो, इसके लिए सरकार पूरी ताकत से प्रयास करेगी। यहाँ जो सड़क वगैरह नहीं है और दिक्कतें हैं उनको, उस सबको भी दूर किया जाएगा
और यहाँ गार्ड भी लगे हैं, जिससे जो एक उनमें घबराहट है परिवार में, उस घबराहट को दूर करने के लिए, क्योंकि सब परिवार दहशत में, यहाँ के लोग दहशत में, उसको राहत देने के लिए एक गार्ड भी यहाँ पे लगे हैं। और इस परिवार के और इस बस्ती में कहीं कोई दिक्कत नहीं आए, कमलनाथ जी की सरकार पूरा प्रयास करेगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। अब आपके साथ है जय गोपाली, जो आपको सुनाएंगे अपने ही अंदाज में भैरण समाचार। नमस्कार, भैरण समाचार में आपको वेलकम कर रहा हूँ। मैं हूँ जर्जर भोपाली। वो कल्याण भाई, तूफान उफान शुरू हो गए, बता रही हूँ, अपने टिन टप्पर संभाल के रखो। हाँ, वो वायु तूफान बड़ा खतरनाक किस्म का आ रहा है, 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है। हाँ, वो गुजरात पे आ रहा है, गुजरात की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन मेरे को अभी खबर मिली है कि वो कि मोदी जी से मिलने आया था, वहाँ से टर्न मार रहा है, मतलब खतरा कुछ कम हो रहा है। हाँ, और पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहा है। पाकिस्तान से जब भी कोई चीज़ आती, मैं बता रहा हूँ, वो आफत ही आती है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान से धूल का गुबार उड़ रहा है और वो ये इंडिया की तरफ बढ़ रहा है, ये तो चल रहा है। उधर देखो बंगाल की खाड़ी में, वहाँ भी ये तूफान उठा हुआ है, ममता बनर्जी नाम का। वो भाजपा कार्यकर्ताओं की ये पिटाई वगैरह चल रही है, आंसू गैस के गोले वोले छोड़ रहे हैं। हाँ, ऐसा है, उसको भी संभालना पड़ेगा। और ये खबर ये देख लो, राजस्थान में गर्मी से बचने के लिए शरीर पे है ना मिट्टी वगैरह लपेट रहे लोग। और बता रहे हो, मिट्टी है ना बहुत अच्छी चीज़ होती है, उसको लपेटोगे तो उससे क्या है, हीट रिफ्लेक्ट होके वापस जाती है। हाँ, ये पुरानी चीज़ें हैं ये। और आजकल तो लोग, मैंने देखा कॉलोनियों में है ना, जो भी मिट्टी होती है उसको भी खरिंजा जड़वा रहे हैं वहाँ। और मैं बता रही हूँ, इतनी गर्मी हो जाएगी, मिट्टी रहती है तो उसमें पानी एब्जॉर्ब होता है, हीट रिफ्लेक्ट, हीट को भी एब्जॉर्ब करता है, गर्मी कम करता है, ये तो चल रहा है बता। और ये खबर उत्तर प्रदेश की देख लो, वो पत्रकार महोदय वो ट्रेन हादसा कवरेज करने गए, उनकी पुलिस वालों ने वहाँ पिटाई लगा दी। बताओ, ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, इसका सम्मान करो, बता रहा हूँ। ये तो चल रहा है। तो ये खबर और देख लो आप, लंदन से बता रहा हूँ, सुना रहा हूँ, विजय माल्या और नीरव मोदी, इनकी तैयारी चल रही है इंडिया आने के लिए। इनका जो मुंबई में जो जेल है आर्थर जेल, इसमें उनके कमरे वमरे बनने, साफ सफाई शुरू हो गई, बता रहा हूँ। हाँ, ये बहुत जल्दी आने वाले हैं, इनके दर्शन होंगे। हाँ, ये खबर ये देखो, इंदौर से खबर आ रही है, वहाँ पे एक कॉल सेंटर चल रहा था, अमेरिकन लोगों को मूर्ख बना रहे थे वहाँ बैठ के, बताओ। और मैं तो अभी, मेरे पास जो कॉल वॉल आते थे अमेरिका से, तो मैं डरता था ये मूर्ख बना रहे हैं अमेरिका वाले, इधर कॉल आ रहा है मेरे पास, कभी एक खाता बताओ, नंबर बताओ, ये बताओ। वही अब लेकर हमारे इंडिया वाले भी काम नहीं है, यहीं बैठे बैठे अमेरिका वालों को काम लगा दिए, बताओ। ये तो चल रहा है। हाँ, वही ट्रंप भाई जो अमेरिका के राष्ट्रपति, उन्होंने बोला है कि भैया जो किम जोंग है, उन्होंने बहुत अच्छा खत लिखा है अपने फ्रेंड को। अब बता रहे हो, किम जोंग इतना खोखार आदमी, वो भी अच्छा खत लिखेगा? कभी आदमी के दिल में भी जगह होती है, हो सकता है अच्छी बातें लिखें कभी। और ये खबर देखो, इंडिया से अभी 15 जुलाई को है ना चंद्रयान 2 लॉन्च हो रही है। हाँ, चंद्रमा पे पहुंच रहे हैं, और चंद्रमा पे पहुंच के आ रहे हैं, मेरे पास कुछ नेताओं का फोन आ गए, वो बोले भैया जर्जर भाई ये बताओ, वहाँ प्लॉट वगैरह कट रहे हैं क्या? या तो पृथ्वी पे बहुत गर्मी पड़ रही है, हम वहीं रहेंगे, वहाँ पे ठंडक होगी। हाँ, और ये खबर ये देखो, रतलाम रेल मंडल जो है वो चलती ट्रेनों में मसाज करवाएगा, जो यात्री थक जाते हैं भैया, ट्रेन में थकान हो जाती है, उनकी मसाज करवाएगा, बता रहे हूँ। इस पे लेके नहीं है ना, वहाँ के जो सांसद हैं इंदौर के, शंकर लालवानी जी, उन्होंने ऑब्जेक्शन लिया है, बोले ये तो गलत चीज़ है, ट्रेन में महिलाएं होती हैं, उनके सामने ये मसाज करवाओ क्या, ये गलत चीज़ है, संविधान के खिलाफ है। मैं कह रहा हूँ अलग से कंपार्टमेंट वगैरह बना दो, वहाँ करवाओ, उसमें क्या है। अभी अभी देखो खबरें आ रही थी ना, ट्रेन में लू से कितने लोग मर गए, अरे तो आदमी को थकान तो होती है। हाँ, और मैं भी भैया थक गया हूँ, न्यूज पढ़ते पढ़ते मैं भी मसाज करवाने जा रही हूँ। नमस्कार।